सभी आ जाओ। बहुत भारी है भाई। बात है भैया, बहुत है बहुत है। हाय 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 हाय। ये, अरे तू कहाँ चली? हाँ, हाँ? क्यों? हाँ। सब लोग बच के रहना, चाल दोबारा आ सकता है। बिल्कुल सही कह रही है, चाल दोबारा आ सकता है। तुम लोग निगाह रखोगे कि जाल कहाँ पड़ता है और दूसरी मछलियों को इशारा करोगे। जाओ जाओ। और तुम जाल गिरते ही उसके आसपास की मछलियों को जाल के घेरे से बाहर ले जाओगे। जाओ जल्दी जाओ। सरदार, आदमी हमें खाने से बाज नहीं आएगा। आज नहीं तो कल एक न एक दिन हम फंसने ही वाले हैं। मछली की माँ कब तक खैर मनाएगी? आदमियों को तो हम समझा नहीं सकते, हम सिर्फ बचने की कोशिश कर सकते हैं। यही तो सदा से होता आया है। भैया, हमारे भाग में जितना था आज हमको मिल गया। हम चल के घर जाते हैं, थोड़ा आराम आराम करते हैं। कहाँ गई हमारी मछलियाँ? पूरा का पूरा टोकरा खाली, हमारी हमारी मछलियाँ कहाँ गई भाग? आखिर कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है? क्या करें हम, किसे पूछे?
ए, हमारी मछली कहाँ गई? हाँ, ये टोकरा में रखी थी? हाँ, बतावा। मनसुखा, लगता है कि तेरी मछलियाँ उड़ गई। अच्छा? हाँ भाई, आजकल मछलियाँ भी उड़ने लगी है। अच्छा, मछलियाँ भी उड़ने लगी हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, जरूर पंछियों ने उन्हें सिखाया होगा। दैया रे दैया, पंछियों ने उसे उड़ना सिखाया। वाह भाई वाह। आखिर सबको अपनी जान बचाने का अधिकार है। वाह 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 पंडित जी वाह, क्या बात है क्या बात है। तू क्या बोला? मछलियाँ उड़ गई। और तू क्या बोला? मछलियों को पंख लग गए। और तू बोल रहा है कि मछलियों को पंछियों ने उड़ना सिखा दिया। मुझे क्या बेवकूफ समझे हो? ये जरूर तुम लोगों की ही शरारत है। तुम ही लोगों ने मेरी मछलियों को तालाब में फेंक दिया है। हाँ, मछलियाँ तेरी नहीं, भगवान की हैं। भगवान ने ही उन्हें बनाया है, इसलिए उनकी जान पर भी तेरा नहीं भगवान का अधिकार है। तुम मछलियों को जिंदा नहीं कर सकते, तो उन्हें मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अरे डेढ़ हाथ के बच्चे, मुझे सिखाने चला है तू? अरे वहीं खड़ा रहे, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। रुक। हिंसा पाप है, प्राणियों पर दया पुण्य है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अब चुप कर। जो पाप करता है उसे पाप का फल भी भुगतना पड़ता है। कहाँ चले आ रहे हो? अरे बचाओ कोई भाई। कहाँ गए? कौन जगह है? अरे कोई बताओ, अरे कोई है? हम मछलियों को ये आग पर पकाता है ना, चलो इसे भी हम आग पर पकाते हैं। तभी इसे पता चलेगा कि हम मछलियों को कैसा लगता है। अरे अब जल जाएंगे, अरे बहुत जल रहा है भाई। नहीं, अरे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दो भाई। अरे भाई, गिर जाएंगे भाई, अरे ऐसे मत चुनाव। तू मछलियों को आग पर पकाना, उसी की ये सजा है। कभी मछलियों को नहीं पकड़ूंगा, कभी किसी जीवों को नहीं मारूंगा। नहीं मारेगा? नहीं मारूंगा भाई, नहीं मारूंगा। कसम खाता हूँ, माफी मांगता हूँ भैया, माफ कर दो। कसम खाता हूँ, माफी मांगता हूँ, आपके पैर छूता हूँ भाई, आपके चरणों में। हमारी नहीं, उनकी माफी मांग जिसने हमें बचाया है। घनश्याम, अरे मुझे माफ कर दो घनश्याम, मेरी रक्षा करो घनश्याम। मैं कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा।
जैसे तू जीना चाहता है मछलियां भी जीना चाहती हैं। जैसे मनुष्य को जीने का अधिकार है वैसे ही समस्त प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। हाँ प्रभु,